स्विच बोर्ड वायरिंग कैसे की जाती है, यहाँ पर ये देख सकते हैं 18 मॉडल का स्विच बोर्ड है और इसके अंदर काफी सारे स्विच हैं। यहाँ पर इस तरह के बहुत सारे स्विच हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर एक वायर का टुकड़ा लेंगे और वायर के टुकड़े को ऊपर की तरफ से यहाँ पे साइज करेंगे और आपको इस तरह से छिल लेना है। छिलने के बाद थोड़ा सा एक्स्ट्रा कवर के साथ इसको कट कर लेना है और इस तरह से घुमा देना है ताकि वायर एकदम सीधा हो जाए। सीधा होने के बाद अब आप क्या करेंगे कि स्विच के नीचे वाले एरिया के अंदर जितने भी स्विच है इन सभी के अंदर लूपिंग कर दें, यानी कि इन सभी को लूपिंग कर दें। नीचे की तरफ भी आप इस तरह के दो टुकड़े और बना दें और इन नीचे वाले जितने भी 8 स्विच है इन सभी के अंदर मिला दें। अब इन सभी को लाइन देने के लिए आपको क्या करना है, दो वायर के टुकड़े लेने हैं और आपको इस लूपिंग से नीचे वाले लूपिंग से मिलाना है, यानी कि इस लूपिंग में दोनों में टुकड़े डाल के बीच वाली लूपिंग के अंदर ऐड कर देना है। तो ये सप्लाई पूरी एक साथ हो जाएगी। एक साथ होने के बाद अब यहाँ पर आप देख सकते हैं सॉकेट के फेज वाले एरिया में यहाँ पे एक टुकड़ा लगा दे और दूसरा टुकड़ा भी दूसरे में। अब ये डायरेक्टली आप स्विच के ऊपर वाले एरिया में और ये दूसरी सॉकेट को भी स्विच वाले ऊपर वाले एरिया में कनेक्ट कर देगा, स्विच से वर्क करेगा। अब यहाँ पर न्यूट्रल की बारी आती है तो एक टुकड़ा लेंगे, दोनों न्यूट्रल को आपस में शॉर्ट कर देंगे। अब अर्थिंग की बारी आती है। अर्थिंग लगाने के बाद इस स्विच बोर्ड को फिट करने की वीडियो